हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, एचएसएससी के अभी हरियाणा पुलिस भर्ती संबंधित जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है, और अभी जस्ट कुछ दिन पहले क्या, अभी भी चल रहे हैं पीएमटी का प्रोसेस, मेल कॉन्स्टेबल का चल रहा है। इससे पहले सभी इंस्पेक्टर की भी भर्ती हुई थी, उसमें भी पीएमटी हुई थी। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एचएसएससी जो वहां पे इक्विपमेंट यूज कर रहा है, जो टूल यूज कर रहा है, या वहां पे जो स्टाफ लगा हुआ है, उसमें गलती निकाली जा रही है या उसमें कमी निकाली जा रही है। दोस्तों, 1 महीने के अंदर किसी कैंडिडेट की यदि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हाइट कम ज्यादा हो रही है, या तो उस बंदे में कमी है, या फिर उस मशीन में कमी है, या फिर वहां पे स्टाफ का जो हाथ है वो भाई किसी का टाइट है, किसी का नॉर्मल है, या फिर वहां पे कोई भाईचारा निभा जा रहा है। एक बंदे ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है प्रूफ के साथ कि ऐसा ऐसे मेरे साथ हुआ है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास अलग अलग से मैसेज कर रहे हैं, और वे एचएसएससी चेयरमैन से अब से अपील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, अदरवाइज इस भर्ती के ऊपर केस होगा और वापिस इसमें एचएसएससी ही फंस जाएगी, या एचएसएससी जो स्टाफ यूज कर रहा है उसकी कमी सामने आएगी। क्योंकि 1 महीने के अंदर किसी कैंडिडेट की हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए या कम हो जाए, सेम कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई मैं एक बार अलग कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं अलग कैंडिडेट की बात करूँ, एक कैंडिडेट सेम कैंडिडेट है जिसने सब इंस्पेक्टर की पीएमटी करवाई थी और जिसने मेल कॉन्स्टेबल की पीएमटी करवाई थी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका सब इंस्पेक्टर मेल का, ठीक है, सुमित मोर नेम है ये, और इसने 25 अक्टूबर को क्या करवाई थी, पीएमटी करवाई थी। यहाँ पे ये पीएमटी क्वालिफाइड भी है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर हाइट है जनरल के लिए, इसने 170.2 हासिल की थी, ठीक है। लेकिन सेम दूसरी सिचुएशन यहाँ पे देखिए, इसने 9 जनवरी को दोबारा से पीएमटी करवाया है, 9 जनवरी को पीएमटी दोबारा से करवाया है मेल कॉन्स्टेबल के लिए, और सुमित मोर कैंडिडेट का नाम है, और यहाँ पे 170 ही चाहिए थी जनरल के लिए, लेकिन इसकी बैठी कितनी, 169.1। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2 महीने के अंदर कैसे जो हाइट है उसमें फर्क बताया गया है एचएसएससी के द्वारा। अब ये एचएसएससी में कमी है, एचएसएससी जो स्टाफ यूज कर रहा है उसमें कमी है, या भाई जो वहां पे मशीन वगैरह यूज की जा रही है उसके अंदर कमी है, या फिर भाई इन युवाओं में ही कमी है। हो सकता है भाई राम ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि इनकी हाइट भाई 2 महीने में कम ज्यादा हो गई हो सकता है भाई बीमारी हो गई उनको, उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ता हो। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है, मामला ये है कि एचएसएससी चेयरमैन साहब ने इनके ऊपर विचार करना चाहिए, इनको एक मौका दिया जाना चाहिए था। हालांकि कुछ बच्चे बताए जा रहे हैं कि जब ऐसी दिक्कत सामने आ रही थी तो उनको बोला गया था कि आपको मौका दिया जाएगा, ऐसे कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे स्टेटमेंट शायद नहीं बोली जाएगी वहां पे यदि डिसक्वालिफाइड यदि हाइट कम हो रही है तो। लेकिन मामले को दोबारा से एक बार जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पे कमी है। हो सकता है भाई इनमें से कुछ बच्चे, जैसे 500 बच्चे इस भर्ती से ऐसे निकल जाए जिनकी हाइट पहले ठीक थी अब गलत हो गई है या कम हो गई है। हो सकता है भाई 400 बच्चे तो इसके अंदर भाई कोर्ट केस कर दे, और कोर्ट केस में भाई 30-35 हज़ार रुपए लगते हैं, वो उसकी फीस पे भी कर दे वकील की, और वो दोबारा से प्रोसेस में शामिल हो जाए। लेकिन भाई हो सकता है इसके अंदर 50-100 बच्चे ऐसे भी हो जिनके पास पैसे का जुगाड़ नहीं है, तो यानी कि उनकी योग्यता होते हुए भी वो इस भर्ती से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ भाई किसी ना किसी की कमी से या गलती से। तो यहाँ पे इन युवाओं की तरफ से, ये खुद युवा भी आपसे अपील कर रहे हैं बार बार, और बार बार मेरे पास ये मैसेज कर रहे थे, तो सोचा मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सही के साथ सही हो और गलत के साथ गलत हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।